कतरा रही है। ये भी आप जान लीजिए, लाउड स्पीकर विवाद पर बोले संजय राउत, लाउड स्पीकर से हिंदुत्व तो नहीं बढ़ता है, तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, संजय राउत का ये बड़ा बयान, धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है और उसके नाम पर लगातार सियासत हो रही है। लाउड स्पीकर पर राजनीति बंद हो, संजय राउत ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, लाउड स्पीकर जो विवाद है वो देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ता जा रहा है और आज हनुमान जयंती और इस अवसर पर भी देखिए इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन संजय राउत का ये कहना कि लाउड स्पीकर से हिंदुत्व नहीं बढ़ता, तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, ये बात संजय राउत ने कही है। आगे कहा कि लाउड स्पीकर पर राजनीति बंद हो। तो घमासान फिलहाल महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता जा रहा, जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये जो शोर है, ये जो उफान फिलहाल राजनीति में नजर आ रही है, थमता हुआ नहीं दिख रहा है। और आपको लगातार क्योंकि बड़ी खबर बता रही है, इसके साथ ये भी बता दें कि सामना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है, पुलिस ने एक एमएनएस कार्यकर्ता को गिरफ्तार भी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, सामना के दफ्तर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए थे। अब संजय राउत ने राज ठाकरे को दूसरा ओवैसी भी बता दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, सामना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने एक एमएनएस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें कि वहां पर पोस्टर लगे थे, पूरा जो हम ये कह सकते हैं कि जो दफ्तर है वो इन्हीं पोस्टरों से पटा हुआ था। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। लेकिन इस बीच संजय राउत बार बार ये कह रहे हैं कि ये विवाद राजनीति से प्रेरित है। संजय राउत ने राज ठाकरे को दूसरा ओवैसी बता दिया है। अजान के बाद राउत का विरोध, सड़कों पर उतरे एमएनएस कार्यकर्ता। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जो कल तक अजान के विरोध में घमासान मचा रहे थे, अब उन्हीं कार्यकर्ताओं ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये देखेंगे कि सामना ऑफिस के सामने ही जो ये बोर्ड लगाया गया है उसमें लिखा गया है कि संजय राउत आपका जो लाउड स्पीकर है वो बंद कीजिए, नहीं तो उसका मन से स्टाइल से जवाब दिया जाएगा। दरअसल संजय राउत ने राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी कहा था, जिसके विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और जगह जगह पोस्टर लगाए जिन पर लिखा था, संजय राउत तुमने राज ठाकरे को ओवैसी कहा, अपना भोंगा बंद करो, इससे पूरा महाराष्ट्र परेशान हो चुका है, अगर अपना भोंगा बंद नहीं किया तो एमएनएस अपनी स्टाइल में तुम्हारा भोंगा बंद कराएगा। पूरा विवाद शुरू हुआ था अजान के मसले से। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान बंद नहीं हुई तो हम भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। देखते ही देखते इस मुद्दे की गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव की गठबंधन वाली सरकार है तो उन्हें जवाब देना ही था। तो संजय राउत ने राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी करार दिया और इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत अब अपने पूरे सबाब पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।